जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान दोनों है ना। मैं पाकिस्तान का हूँ, ये मेरा भाई इंडिया का पैदाइश है, इस हम दोनों एक साथ है। वैसे इंडिया पाकिस्तान एक साथ होना चाहिए। मैं 50 साल के बाद आई हूँ, बहुत खुशी हो रही है, रिश्तेदारों से मिलेंगे। 15 दिनों से जैसे वीजा का लगा कि वीजा आ गई हमारी, सपने में ही पूरा पाकिस्तान ही दिख रहा है कि भाई कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं अपने। बेलियो तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी, तो मैं तुहाड़ा प्रचारक मियाँ आसिफ अली। तुसी देख रहे हो मेरे नाल एक पूरा एक परिवार मौजूद आ, सिंधी परिवार आ, पर हैगा इंडियन सिंधी परिवार। तो जिद्दां पंजाबी हुंदे आ, पंजाबी तुहानूं पता दोवां पासे बहुत ज़्यादा, सिंधी जिहड़े आ इंडिया दे विच इह वी वाहवा वा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर 12-14-15 लाख है। अच्छा, इन्हां नाल गल करदे आए इत्थे। हाँ जी, की नाम तुहाडा? हर्षा चावला। किहड़े इलाके तों आए तुसी? जलगांव महाराष्ट्र। तुहाडा की नाम है जी? बनेरा महाराष्ट्र अमरावती। अच्छा, तो की नाम है? संगीता। गुजरात इंडिया। दिलीप कुमार लुंडवाने, गुजरात इंडिया। अनिश कुमार, गुजरात से। पवन, गुजरात। ये सारे यानी कि गुजरात तो आए हुए हैं। तो गल इधरों शुरू करते हैं, ये जिहड़ी कुड़ी है मैनू अलग लगी है क्योंकि इन्हें अपना नाम ही जिहड़ा चावला दस्या। अच्छा, तो तुसी शुरू तो उत्थे दे रहण वाले हो? हाँ, हम लोग इंडियन ही हैं। फर्स्ट सेकेंड टाइम हम लोग पाकिस्तान आए हैं, पहले प्राइवेट वीज़ा से आए थे, अब जत्थे के साथ आए। इतने कोई रिश्तेदार भी है क्या तुम्हारे? रिश्तेदार है, मेरे मामा वाले हैं, मेरी ननद है। अच्छा। और इनके मतलब मेरे मिस्टर के मामा वाले, चाचा वाले, सब लोग इधर के ही है। अच्छा। सिर्फ हमारी एक फैमिली है जो इंडिया शिफ्ट हो गई है। अच्छा, यानी तुसी इधरों उत्थे शिफ्ट होए थे? हाँ। नहीं, मेरी शादी वहीं पर हुई थी इंडिया में, मैं इंडियन हूँ। अच्छा, तुहाडी शादी उधर हुई? हाँ। तो उवें इत्थे दे सी तुसी? नहीं नहीं, हम लोग इंडियन ही है और मेरे मिस्टर भी वहाँ शिफ्ट हो गए, उनको 25 साल हो गए। अच्छा, चलो। तो पाकिस्तान हुण आए हो, तो पाकिस्तान च इंटर हुंदे ही तुहानूं पहला जिहड़ा ख्याल की आया? सबसे पहले तो हमको ख्याल आया कि हम लोग रेड़की साहब के दर्शन करें। अच्छा। सबसे पहले इच्छा ही हमारी वही है कि रेड़की साहब मत्था टेक के आए, क्योंकि प्रतापिन साहब हम लोग जा रहे हैं, वहाँ का मत्था टेक लेंगे, शदाणी वालों का हो जाएगा, तो रेड़की साहब भी हमारी इच्छा है कि वहाँ के भी मत्थे टेक लें। अच्छा, तो तुसी पहली बार आए हो कि पहले भी कभी आए? मैं 50 साल के बाद आई हूँ। अच्छा। 50 साल के बाद जा रही हूँ, मतलब इधर आई हूँ। 50 साल पहले भी आए थी? नहीं, पहले घूमने गई थी फिर वापस, और 50 साल के बाद आई हूँ। बहुत खुशी हो रही है, रिश्तेदारों से मिलेंगे, बस मत्था भी टेकेंगे, साईं जन की आशीर्वाद भी मिलेंगे, बहुत खुशी है। 15 दिनों से जैसे वीजा का लगा कि वीजा आ गई हमारी, सपने में ही पूरा पाकिस्तान ही दिख रहा है कि भाई कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं अपने, बहुत खुशी की बात है। ये बड़ी गल है। उत्थे केड़े केड़े इलाके जाओगे सिंध च? घोटकी, मीरपुर, पन्ने, अदलपुर, खानपुर, नानकाने साहब, डेरकी साहब, मतलब पिथापिन है, जरवारन है, सखर वो साध मेला। हाँ हाँ। अच्छा, तुसी पहले इत्थे दे सी के शुरू तो उत्थों दे ही हो इंडिया दे? नहीं, मेरा जन्म यहाँ का है। अच्छा। अमरावती में, मतलब अच्छा। इंडिया में ही है जन्म मेरा। हाँ, हम इंडिया में ही रहते हैं, पहले 50 साल पहले घूमने गए थे, मेरा नानी घर उधर था। हाँ। जो तुसी 50 साल पहले आए थे उदो तुहानू पाकिस्तान कैसा लग्या सी? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत खुशी की बात है कि हम जा रहे और रिश्तेदार से मिलेंगे 50 साल के बाद, बहुत वो भी याद कर रहे बहुत। अच्छा, तुसी दसो जी, तुसी पहली बार आए हो कि पहले भी कभी आए? नहीं, पहले भी आए, 7 साल पहले आए थे। अच्छा। यहाँ के ही पैदाइश है हमारी, यहाँ के सिंध के ही हैं हम। अच्छा। जाने के बाद 20 साल के बाद आए थे अपनी वीज़ा पे, अभी 7 साल बाद आए। इतने दी पैदाइश तुहाडी ते उत्थे फिर शिफ्ट हो गए? शादी हो गई, जो लोग शिफ्ट हो गए तो वहीं चले गए ऐसा।
शादी उधर होगी तो? नहीं, शादी इतने शादी के दो साल बाद शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो अभी उधर की नेशनल मिल गई है, तो अभी उधर के ही है। तो अभी 20 साल बाद आए थे, उसके बाद 6-7 साल बाद अभी आए। अच्छा, पाकिस्तानी जो सिंधी हिंदू आते उधर, इंडियन सिंधी हिंदू है जो, आपस शादियाँ विवाह होते रहते? हाँ, होते रहते, उनको ये सिस्टम चलता रहता है इधर उधर सब। तुसी दसो जी, ते किन्ना अरसा पहले शिफ्ट होए सी तुसी उत्थे? सर, हमारा जन्म यहाँ का है रोड़ी सिंध में, उसके बाद हम पढ़ी यहाँ, बड़ी यहाँ, शादियाँ हुई, उसके बाद शिफ्ट हुए 96 में शिफ्ट हुए। 96 के बाद 2015 में यहाँ घूमने आए थे, उसके बाद आ जाए हमने। शिफ्टिंग दी की वजह सी? कहीं नहीं वजह सर, बस जहाँ का नसीब है वहाँ खेत की जाता है। कोई फॉरेन में जाता है, कोई गल्फ में जाता है, कोई कहाँ जाता है, वो जो ऊपर वाला लिख देता है वही होता है। हमारे भैया को तकलीफ नहीं थी, हम उसकी वजह से। हाँ जी, बिजनेस सेट किया, थोड़ी तकलीफ हुई स्टार्टिंग में, उसके बाद ठीक है, भगवान की दया है, ठीक है। और बाकी रिश्तेदार थी थोड़े? बहुत बहुत सही थे, पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है, लाहौर, कराची, हैदराबाद, बेड, शक्कर, खेरपुर, मीरस, लारकानो, पुटजी, जितना बोलो फैले हुए। और हमें पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ है सर, क्योंकि हमने कॉलेज यहाँ किया, यूनिवर्सिटी यहाँ किया है, हमारा लड़का भी यहाँ की पैदाश है, जन्म यहाँ का है। हाँ भी, तुसी तो उठे रहे सारी उम्र, पर पैदाइश इतने दी, हूँ कैसा लग रहा है अपनी जन्मभूमि पर? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इधर आने से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मुझे आने के मीन्स इधर जो फर्स्ट अभी सेकेंड टाइम में आ रहा हूँ, और इधर आने के रीज़न एक ही है, जो नानका साहब से मत्था टेकना। क्योंकि यहाँ की जो नानका साहब मैंने बहुत सुना है, टीवी पे बहुत देखा है मैंने, यहाँ का सच्चे पातशाह, तो अभी मुझे यहाँ पे उनसे मत्था टेकने के जाना है, एक ही मेरी दुआ है। बहरहाल जी, मत्था टेको तुसी। जी जी, हम सर दोनों गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बीच का जो पाबंद है, जैसे वीज़ा है, उसको निकाल दो, दोनों कौम एक हो जाए, दोनों में प्रेम बढ़ जाए। ये वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं होना, आने जाने चाहिए। जैसे आप कराची जाते हो, कराची से लाहौर जाते हो, इस्लामाबाद जाते हो, कोई रोक टोक नहीं है। हम तो फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं दोनों में एक हो जाए, दोनों मुल्क एक हो जाए। हमारे इंडिया पाकिस्तान दोनों है ना, अभी हम मैं पाकिस्तान का हूँ, ये मेरा भाई इंडिया का पैदाइश है, इस हम दोनों एक साथ है। वैसे इंडिया पाकिस्तान एक साथ होना चाहिए, हमारे एक ही दोगा से बस। कभी वहाँ अपने भाइयों से मिल सकते हैं, कभी भी कहीं रिश्तेदारों में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवार है जो बिछड़ गए थे, अभी दोनों एक साथ मिले, उनको भी अच्छा लगे। और एक दोनों परिवार एक है, तो इंडिया पाकिस्तान एक ही, हमें खाली एक ही दोगाज है बस। भाजी बाले बड़ी है गल तुसी सुनी, दो भरा वा, एक पाकिस्तानी ते एक इंडियन, यानी एक इधर दा ते एक उधर दा। खैर, ये तो गल्लां हुंदियां रहिंदियां, वीज़ा की पाबंदी थोड़ी जी नरम होनी चाहिए है, गल मैं भी कहना हुंदा हमेशा, खासकर उन्होंने लोगों लिए जेडे इधरों उधर गए हुए, उधरों इधर आए हुए, उन्होंने वीज़े की पाबंदी जी थोड़ा जहा नरमी जरूर होनी चाहिए, ताकि उन्होंने आन जाने काफ़ी आसानी हो सके।